हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या रॉथ। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ उत्पम। एकदम इंस्टेंट बनने वाला उत्पम हम बनाएंगे। ये सूजी से बनाया है मैंने। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये एकदम झटपट बन जाता है। तो चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस के तरफ। ये मैंने सूजी लिया है 500 ग्राम, 500 ग्राम सूजी, और इसमें मैं इसका हाफ क्वांटिटी दही डालूंगी। 250 ग्राम हम इसमें दही डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल लेंगे। मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल लें। अब हम इसमें ये मिर्ची डालेंगे, एकदम बारीक काट के इसे डालना है। मैंने 3 मिर्ची बारीक काट के इसमें डाल ली है। अब इन सब चीज़ों को हम पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। एक साथ सारा पानी ना डालें क्योंकि बैटर गीला भी हो सकता है। मैंने 1 गिलास पानी इसमें डाल चुकी हूँ। हमारा बैटर कुछ इस तरीके से है। अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी थिक है, तो इसलिए मैं इसमें और पानी डाल लूँगी। इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला है, 2 गिलास से थोड़ा सा कम। अब हम इसे ढक के रख देंगे। ये मैंने लिया है 2 बड़े प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया, और ये 2 बड़े टमाटर, इन्हें भी मैंने बारीक कट कर लिया है। अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे। टमाटर डाल देंगे। आधी चम्मच नमक डाल लेंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यह हमारा अच्छे से एकदम मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब ये जो हमने बैटर तैयार करके रखा था, देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी, ये कितना थिक हो गया है। तो इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। इसको मैं पहले थोड़ा सा पानी डाल के चेक करूँगी। ये मुझे अभी भी थिक लग रहा है, तो मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी। मैंने 1/2 गिलास पानी और यूज़ करा है इसमें। अब हमारा बैटर रेडी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके का बैटर हमें रेडी करना है। चलते हैं अब उत्पम बनाने के प्रोसेस की तरफ। ये मैंने पैन लिया है, इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लूँगी। अब जो हमने बैटर रेडी करके रखा था, हम उसे इस तरीके से डाल देंगे। और इस पे हम अब ये अपने प्याज टमाटर डाल लेंगे। अब हम प्याज टमाटर का थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये इनमें सेट हो जाए। इसे मीडियम फ्लेम पे ही आप बनाएं ताकि ये अंदर तक पक जाए। अब 2 मिनट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं आप, ऊपर से भी ये थोड़ा सा दिख रहा है कि
पक चुका है और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसका कलर आया है और ये एकदम रेडी है। अब हम बस दूसरी साइड से इसे थोड़ा सा पकाना है। अब ये हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी बस इसी तरीके से हमारे सारे उत्पम बनके रेडी हो जाएंगे। एक उत्पम आपको मैं तवे पे बना के दिखाऊंगी। ये हमने 1 चम्मच ऑयल डाल लिया है इस पे भी। अब ये जो हमने बैटर रेडी करके रखा था उसे हम इस पे डाल लेंगे और इसे चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा फैला लें। इस पे भी हम इस तरीके से प्याज और टमाटर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से चारों तरफ। अभी आप देख सकते हैं ऊपर से इसका कलर चेंज हो गया है, तो ये नीचे से भी पक गया होगा। पलटते हैं, देख सकते हैं आप ये इस साइड से कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो अब हमारा उत्पम बनके रेडी है। इसी तरीके से हम सारे उत्पम बना के रेडी कर लेंगे। चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस की तरफ। ये देख सकते हैं आप हमारे सारे उत्पम बनके रेडी हो गए हैं। इसे मैंने सर्व करा है इस केचप के साथ, तो ये दिखने में पिज्ज़ा जैसा भी लग रहा है और ये खाने में भी एकदम थोड़ा थोड़ा उसी के जैसा लगता है। एकदम बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका और ये एकदम इंस्टेंट बन जाता है क्योंकि ये सूजी के बने हैं। तो इसको ज़रूर बना के ट्राई करें और आपको कैसी लगी मेरी ये उत्पम की रेसिपी कमेंट में बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।